एक ही आशा की किरण है कि शिक्षा उस मानसिकता को दे सके, शिक्षा उस मानसिकता को दे सके जो सही अर्थों में, जानकर मानना यदि होगा, यदि आदमी में जानकर मानने का विश्वास होगा तो ये दूसरे मानव से, भ्रमित मानव से नियंत्रित होगा। इस आदमी को कोई नियंत्रित कर पाएगा? जानकर मानने का मतलब ही है विश्वास। विश्वास का नाम है स्वनियंत्रित होना, बिना जाने मानने का अर्थ है कि पर नियंत्रित होना। पर नियंत्रण का अर्थ ही शासन है और स्वनियंत्रण का अर्थ ही व्यवस्था है। तो सूत्र है, जो स्वनियंत्रित है उसको कोई नियंत्रित करे ये संभव ही नहीं। और जो स्वनियंत्रित नहीं है उनको नियंत्रित करना एक आवश्यकता है। चॉइस हमारी है, हम नियंत्रित होना चाहते हैं या हम स्वनियंत्रित होना चाहते हैं, है ना? तो शिक्षा पूर्वक हम स्वनियंत्रित हो सकें। स्वनियंत्रित व्यक्ति ही स्व अनुशासित है। ये स्वनियंत्रण, स्व अनुशासन ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता की परिभाषा है स्वयं को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना, स्वतंत्रता है। वातावरण मतलब आजू बाजू, हाथ उठाइए। वातावरण मतलब आजू बाजू। कुछ समझ में नहीं आया? अरे वातावरण मतलब इधर, आपके भीतर है। आप गाड़ी से प्रभावित होते हो तो गाड़ी बाहर दिखाई देती है। वो देखा है, जो लोग, जो बच्चे कुत्ते से डरते हैं वो जब गली से निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं? जो कुत्ते से डरता है उसको ढूंढ ढूंढ के कुत्ता दिखाई देता है, और जो कुत्ते से नहीं डरता है उसको गली में कितने कुत्ते थे उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था। तो कुत्ता था इसलिए दिखाई दिया, या कुत्ते से मैं डरता था इसलिए दिखाई दिया? तो वातावरण अंदर है कि बाहर है? आजू बाजू कुछ नहीं है, जो है इधर है। मेरी कंडीशनिंग ही मेरा वातावरण है, बाहर कोई वातावरण नहीं है। बाहर से कोई हमको तंग नहीं करता। लोग मुझको तंग करते हैं कि मैं तंग होता हूं? धीरे से ये समझ में आएगा तो कि मेरे भाव और विचार से मैं सुखी दुखी होता हूं। दूसरों के भाव और विचार मेरे भाव और विचार को प्रभावित करते हैं, लेकिन वो प्रभावित करते हैं मेरी स्वीकृति से। मैं चाहता हूं इसलिए प्रभावित करते हैं, मैं नहीं चाहता हूं तो नहीं करते। इसका मतलब है, कोई दूसरा मुझको दुख देता है? नहीं, मेरे भाव और विचार पे मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं पर नियंत्रित हूं, मैं गुलाम हूं, इसलिए बाहरी चीजें मुझको प्रभावित करती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मेरे सुख दुख के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। तो दूसरा मुझको पीड़ित नहीं करता, मेरी अक्षमता ही मेरी पीड़ा है। मेरे भाव और विचार पे मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, यही मेरी पीड़ा है। दूसरा मेरे को सुखी दुखी नहीं करता है, मैंने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे रखा है। तो वातावरण आजू बाजू है कि मुझ में स्वयं में है? मुझ में स्वयं में है वातावरण।
वातावरण आजू बाजू नहीं है, कैसा है ना, धीरे धीरे ये अपने को समझ में आएगा तो हमको पता तो होगी चीजें कहाँ हैं, कैसे हैंडल होंगी। तो एक बार यह पता चला कि मैं स्व अनुशासित होकर जीता हूं, मैं स्वतंत्र हो जाता हूं वातावरण के दबाव से, वातावरण के दबाव से। क्या वातावरण का दबाव मतलब, वातावरण का दबाव मतलब वातावरण के दबाव से मुक्ति, फिर लोग क्या कहेंगे इससे भी मुक्ति, है ना, सही कैसा है इसी का नाम, है ना, इसी का नाम स्वराज्य है। स्वराज्य का मतलब है सभी परिवार शिकायत मुक्त और अभाव मुक्त हो सके, सभी परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो सके, ये स्वराज्य है। इससे ज्यादा की कल्पना मानव के पास नहीं है, इससे कम में हमारा जीना होगा नहीं, और ये शिक्षा के माध्यम से संभव है ना। तो शिक्षा वो जगह है जहां सही अर्थों में आदमी को जीने की ताकत, जीने की क्लैरिटी, है ना, जीना उसको मिल सके। ये हो गया तो हम इन तमाम जो भी चीजों को अभी भुगत रहे हैं, परेशान हैं, उससे हम मुक्त हो सकेंगे। देखिए ये भी हमको पहले से ध्यान में है, एक मॉडल हमने ये भी देखा था, जब गुरु सबसे ऊपर था, गुरु के नीचे राजा, राजा के नीचे व्यापारी और व्यापारी के साथ में प्रजा, ठीक हो गया, ये ध्यान में है मॉडल। फिर क्या हुआ, गुरु यहां क्यों बैठा था इतना ऊपर, ज्ञान की वजह से, जब वो ज्ञान से सुखी होता था तो यहां बैठा था। धीरे धीरे किस दिन गुरु को लगा यार ये इंद्रियों में ही सुख है, सच्चाई तो यही है, जिस दिन गुरु को इंद्रियों में सुख दिखने लगा उसके बाद वो कहां बैठेगा, जिस दिन गुरु को इंद्रियों में सुख दिखने लगा तब वो कहां बैठेगा, व्यापारी, व्यापारी के ऊपर बैठेगा कि नीचे बैठेगा, पैसा कमाने में तो व्यापारी बड़ा है कि शिक्षक बड़ा है, व्यापारी बड़ा है, तो गुरु जी फिर यहां बैठेंगे, गुरु जी आए यहां बैठ गए, ये गुरु जी आ गए। राजा कब तक राजा था, जब तक उसको लगा था कि मेरे राज्य में सभी का ठीक से जीना मेरी जिम्मेदारी, जब तक वो पूरी प्रजा का अभिभावक था तो राजा था। किस दिन उसको लगा यार इंद्रियों में ही सुख है, तो अभी कहां आके बैठेगा, व्यापारी के नीचे बैठेगा कि ऊपर बैठेगा कि बाजू में बैठेगा। अब राजा ताकतवर आदमी तो इसको संसार से निपटने का ज्ञान ज्यादा है, तो ये उसके व्यापारी के बाजू में आके बैठेगा। अब सबसे ऊपर कौन हो गया, व्यापारी, अब व्यापारी सबको चलाएगा। अब राजा भी व्यापारी हो गया, गुरुजी भी व्यापारी हो गया, प्रजा व्यापारी होना चाहता ही है। दिल्ली में अधिकांश शिक्षक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, अपने व्यवसाय, शोरूम, कोचिंग, दिल्ली का शिक्षक बहुत रईस है, दिल्ली में आप इस दिल्ली का शिक्षक का मतलब है कि एजुकेशनली साउंड है, तो उसके लिए कोचिंग के अवसर हैं, तमाम तरह के अवसर दिल्ली में मौजूद हैं जब आदमी वहीं रहता है जिंदगी। तो अधिकांश, तो यदि यदि स्कूल की क्वालिटी देखेंगे, प्राइवेट स्कूल की क्वालिटी, टीचर की क्वालिटी, तो उसकी तुलना में वो क्वालिटी बहुत कम है, लेकिन रिजल्ट प्राइवेट स्कूल का बेहतर है सरकारी स्कूलों की तुलना में। इसका मतलब है कि प्रतिभा आपकी कोई काम नहीं आ रही है जब तक आपका प्रतिभा को डिलीवर करने का मोटिवेशन नहीं, तो प्रॉब्लम प्रतिभा की नहीं है, प्रॉब्लम डिलीवरी की है, प्रॉब्लम उस मोटिवेशन की है
प्रॉब्लम उस कनेक्ट की है, प्रॉब्लम उस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की है, प्रॉब्लम उस परिवार भाव की है, उस जिम्मेदारी के स्वीकारने की है कि मैं किस अर्थ में यहां हूं। क्या करें, क्या करें, क्या करें? है तो एक ही तरीका है, घर वापसी कार्यक्रम। गुरुजी अपनी जगह आना ही चाहिए, इसके अपनी जगह बैठे बिना काम नहीं चलेगा। ये इसकी स्वयं की जरूरत है, इसके स्वयं के सम्मान के लिए इसकी स्वयं की जरूरत है, और इसकी समाज की भी जरूरत, सबकी जरूरत है वो। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ। इस बीच में देखा जाए तो एक बड़ी घटना घट रही है। यदि पिछले 40 सालों को देखें तो परिवार में संबंधों की, संबंधों में जीने की योग्यता घटती हुई दिखाई देती है कि बढ़ती हुई दिखाई देती है? घटती हुई दिखाई देती है। यदि नेचर के साथ जीने की आदमी की योग्यता को देखेंगे तो घटती हुई दिखाई देती है कि बढ़ती हुई दिखाई देती है? तो सारी एजुकेशन के बावजूद ना तो हम नेचर के साथ जीने के लायक हुए, ना हम प्रकृति के साथ जीने के लायक हुए। यदि प्रैक्टिकली डिलीवरी देखी जाए तो इसका मतलब है कि ऐसा, जबकि यदि पीछे 40 साल पहले लौट के देखा जाए तो कुछ स्थितियां हमको बेहतर नजर आती हैं। क्यों ये क्योस दिखाई देता है? ये बात पहुंच रही, मेरी बात आप तक पहुंच रही? 40 साल पहले मुझको अपने गांव में मैंने देखा था, एक युवा यदि सिगरेट पीता हुआ आ गया और सामने से बुजुर्ग आ गया तो या तो फेंक देता था या छुपा लेता था, और गांव के रिश्ते तुलनात्मक रूप से बहुत बेहतर थे, बहुत सारी अच्छी चीजें थी। लेकिन इन 40 सालों में, 20 साल पहले जब मैं जॉब छोड़ के 92 में जब मैं जॉब छोड़ के निकला हूं तो गांव में आप पहुंच के और यदि आपने अच्छी बातें करना शुरू की तो बहुत लोग सुनने वाले और साथ चलने वाले मिलते थे। आज किसी गांव में जाके आप इस तरह की बातें करना शुरू करो तो क्लियरली पूछता है कि पैसा कितना लाए हो, कौन सी सरकारी योजना लाए हो। ये मनरेगा नरेगा में सबको हमने खत्म कर दिया। पहले कुछ लोग भ्रष्ट होते थे ऊपर के लेवल में, ये मनरेगा नरेगा से हमने हर आदमी को भ्रष्ट कर दिया। आज ये राजनीतिक सिस्टम इस देश के, इस धरती पे कोड है, इससे बुरा शब्द और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो शिक्षा का दायित्व है कि वो यदि ये कोड है तो इसका 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 इसका, इसका सॉल्यूशन कोई देगा कि नहीं देगा? तो शिक्षा स्वयं राजनीति का शिकार होगा, या शिक्षा यदि राजनीतिक परिदृश्य में समस्याएं हैं तो उसके समाधान देगा? क्या सम्मानजनक लगता है? समाधान दे, है ना। अभी शिक्षा में तो हम पढ़ा रहे हैं ना, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, पॉलिटिकल शास्त्र और तमाम चीजें शिक्षा में ही पढ़ा रहे, सारी थ्योरी तो हम ही पढ़ा रहे, हमारे पढ़ाने का ही तो परिणाम है जो कुछ हो रहा है। इसको मानोगे कि नहीं मानोगे? जो कुछ हो रहा है उसके लिए मानसिकता तैयार करने का काम हम एजुकेशन से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और जो कुछ हो रहा है वो जैसा हम बो रहे हैं, जैसा बीज बो रहे हैं वैसा फल काट रहे हैं। इसका मतलब है क्या दिया जाए? एक तो क्या हो गया, मेरे को लगता है कि यहां से एक दृष्टि हम और देख सकते हैं। पिछले 40 साल में देखा जाए तो जैसे जैसे ये शिक्षा बढ़ी है, आधुनिक शिक्षा, इससे क्या चेंज हो गया? आस्था वाला माइंडसेट चेंज हुआ है। तो एक बड़ा चेंज आया है कि आधुनिक शिक्षा, जिसको हम आधुनिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, आधुनिक शिक्षा बेसिकली तर्क पे आधारित है। अब बच्चों को हमने तर्क देना शुरू किया, तर्क देना शुरू किया तो वो क्या पूछेगा? वो हर चीज के पीछे क्यों लगाएगा? क्यों लगाएगा के बाद आस्था बचेगी? क्योंकि आस्था के बारे में हमारे पास आंसर्स नहीं है, है ना। घंटे क्यों बजाते हो हमको नहीं पता, है ना। बहुत सारे काम क्यों कर रहे हो, इससे क्या निकला कोई पूछ ले। कैसे? जैसे आप बच्चों को आशीर्वाद देते हो, क्या आशीर्वाद देते हो? कोई आपके पैर छूता तो आप क्या आशीर्वाद देते हो?
जोर से तो बोलो, हैं, सुखी रहो, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। कहीं वो लौट के पूछ दिया, तुम सुखी हो क्या? पूछ सकता है कि नहीं? ये दिन आने वाले ज्यादा दूर नहीं है। अभी भी बच्चों की बॉडी लैंग्वेज तो बदली गई है, शब्द भर नहीं बोल रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ ही जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि आधुनिक शिक्षा ने तर्क को दिया, तर्क से